मध्य प्रदेश के इंदौर में अखिल भारतीय बलि समाज के लोगों ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। आपको बता दें, अज्ञात हमलावरों ने बाबा साहब अम्बेडकर के गृह निवास मुंबई पर हमला किया था, जिसको लेकर इंदौर में अखिल भारतीय बलि समाज के लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। दरअसल पूरी घटना मुंबई स्थित दादर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजगृह पर हुए हमले की है, जहां अज्ञात आरोपी हमला कर फरार हो गए। इसको लेकर इंदौर के दलित वर्ग ने जल्द गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की मांग उठाते हुए अखिल भारतीय बलि समाज के साथ मिलकर गुरुवार को इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। ऐसे महापुरुष जो विश्व रत्न कहलाते हैं, ऐसे महापुरुष जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, ऐसे महापुरुष जो दलितों के पिछड़ों के भगवान है, देवता तुम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना अधिकतम समय मुंबई के दादर स्थित निवास स्थान पर गुजारा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में गत दिवस कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा विमनुष्यकारी व्यस्तापूर्ण तरीके से उस घर को नुकसान दिए करा गया, मकान को तोड़फोड़ की गई है, मकान में नुकसान किया गया। मकान में तोड़फोड़ होना उस घर में, वो घर हमारे लिए मंदिर के समान है, और उस मंदिर में तोड़फोड़ होना, हमारे दलित समाज बहुत दुखी है, आहत हुआ है। आज संपूर्ण दलित समाज अखिल भारतीय बलि महासंघ के तत्वाधान में रविदास समाज, वाल्मीकि समाज सहित सभी समाजजन यहाँ पर उपस्थित हुए। माननीय संभागायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि अज्ञात आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। विरोध का नजारा सिंगरौली जिले में भी देखने को मिला, जहां तोड़फोड़ की घटना को लेकर राष्ट्रीय युवा संघ ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। सीसीटीवी कैमरे और किताबों के साथ हुई तोड़फोड़ के मामले में वैधानिक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की कड़ी चेतावनी दी है। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के संभागीय अध्यक्ष उसैद हसन सिद्दीकी, उपाध्यक्ष सुदामा कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अरविंद साकेत के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।